यहाँ पे मुझे लेट मी प्ले इट अ बिट फॉर यू एंजॉय इट प्लेइंग है ना। तो मैं सन अभी भी यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये जो मेरी लेके जाती है ये बताइए दो परों वाले एनीथिंग और हम फाइजर ने दिया था इन नामों को अभी तो बहुत वो मैं दिखाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ओके, आज मैंने आपको अपना घर दिखाना है। सो दिस इज वेयर वी स्टार्ट। ये मेरे बर्ड्स हैं और ये हम पानी के बॉटल रख देते हैं, जिसने भी पानी पीना होता है कैन कम एंड यू कैन हैव इट हियर। ये मेरे दो बहुत पसंदीदा नाम जिनसे हमारे घर की शुरुआत होती है। लेट मी शो यू माई लॉन। दिस इज अ प्लेस वेयर आई एक्चुअली हैव फन। और ये मेरी अंगूरों की बेल है, फिर मैंने यहाँ पे स्टिविया लगाया हुआ है। ये स्टिविया नेचुरल स्वीटनर। सो दिस इज माई लॉन। लॉन दिखाना भी बहुत जरूरी था क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पे बैठ के मैं शायरी करती हूँ, जहाँ पे बैठ के मुझे सारे अच्छे अच्छे थॉट्स आते हैं, अल्लाह की बातें आती हैं, और ये बहुत नेचर के करीब जगह है। सो लेट्स कम इनसाइड। जब हम घर में आते हैं तो क्यों, इधर आओ, इधर आओ, कम सिट सिट। ओके सो मीट हर। एनीवे नाउ वी कम इनसाइड। सो दिस इज माय किचन, दिस इज द राबीज वाजवान। और किचन जो है वो सबसे साफ जगह होनी चाहिए। किचन के अलावा मैं आपको मजे की दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं राबीज वाजवान करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू राबीज वाजवान। आज हम आपको दिखाएंगे फलाना 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 दिस ऑल। जो इम्पोर्टेंट चीज है वो मैं आपको दिखाती हूँ, मेरा फ्रिज। इधर आ जाओ। अच्छा, मेरा जो फ्रिज है ये घर का फ्रिज ऐसे यूज नहीं होता, दिस इज वेरी सेपरेट। दीज आर माई मैंगोज, आमों से भरा हुआ है। ये मैं चूंकि होम मेड बर्गर खुद बनाती हूँ, देन वी हैव फ्रेश चेरीज। अच्छा, आपको जो कलेक्शन में दिखाऊंगी वो मैं दिखाऊंगी चॉकलेट्स। आई एम अ चॉकलेट फ्रीक, मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है। ये होल नट है, वो बाउंटी है, दिस इज द डेरी मिल्क थिंग। माय फेवरेट फेवरेट किसेस इन द डार्क चॉकलेट, माय मोस्ट फेवरेट किट कैट्स, और आई जस्ट गॉट अ गिफ्ट ऑफ कैडबरीज होल नट्स। I mean, you can see that I'm a chocolate freak anyway. मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा। दिखाओ, ये जो इंजीर है ये मेरे फॉर्म हाउस से कल आई है, और ये मेरे फॉर्म हाउस की इंजीर है, और इंजीर का जिक्र तो कुरान पाक में भी है, इसीलिए मैंने फॉर्म हाउस से लगाई। सो इसके अंदर आइसक्रीम भरी हुई है, बट आई डोंट वॉन्ट कि आपके मुंह में पानी आए। मैं आपको अपना ड्राइंग रूम दिखाती हूँ। अच्छा, पहले बिफोर दैट लेट मी शो यू, दिस इज माई पेंटिंग। ये जो मेरी पेंटिंग है इसको मैंने इसी घर में बनाया था, और मैंने इसको सोच के बनाया था कि मैं इसको यहाँ पर लगाऊंगी, एंड हेयर इट इज। इन घोड़ों के साथ मैंने एक महीना जो है वो इनको पेंट करते हुए परसीव करते हुए बनाया, और अल्हम्दुलिल्लाह ये कम्प्लीट हो गई। लेट मी टेक यू टू माई ड्राइंग रूम एंड ड्राइंग। ये जो है ये मेरी कीज है, ये मेरी गाड़ी की। अच्छा, ये डिफरेंट तस्वीर इसलिए है कि ये मैं गाड़ी पर लेकर जाती हूँ, ये मैं वॉक पे लेकर जाती हूँ, ये मैं फ्रेंड के तस्वीर हैज टू बी इन माई हैंड। और ये मैंने खुद ही लिखा था आयतल कुर्सी, तो मैंने मुझे समझ नहीं आई कि मैं इसका क्या करूं, तो मैंने इसको अपने घर के एंट्रेंस के ऊपर यहाँ पर लगा दिया। सो लेट मी टेक यू, जैसे ही हम आएंगे वी गो टू द ड्राइंग रूम, दिस इज माई ड्राइंग रूम। अच्छा, इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है, ये दो परों वाले पंखे हैं इसके अंदर, विच इज वेरी रेयर सीन। ये मुझे एक ही जगह पे मिले थे ये दो परों वाले पंखे, एंड आई जस्ट बॉट देम, मैंने कहा ये मैं लगाऊंगी। सो दिस इज माई ड्राइंग रूम। हर जगह पर आप मेरे घर में जब जाएंगे ना, तो आपको अल्लाह का नाम जरूर नजर आएगा। यू कैन सी ये मेरे अल्लाह का नाम जो है मेरी राइटिंग में वहां पर भी लगा हुआ। अच्छा, इधर एक इंटरेस्टिंग चीज मैंने अभी ली, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखे, ये एक सेट है, बिकॉज समटाइम्स मेरे जो गेस्ट हैं वो ज्यादा आ जाते थे, तो ये जो सेट है ये पूरा एक सेट है, ठीक है, लाइक दिस इज व्हाट। और इसके अंदर से वी कैन टेक एनीथिंग, और हम इसको लेकर एक टेबल बना लेते हैं। सो इट मीन्स कि ये जो है ये चार टेबल्स हैं, लेकिन ये बड़ी नाइसली प्लेस्ड हैं इन अ कॉर्नर, ये जगह ज्यादा नहीं घेरती। ये मैं आपको आइडिया इसलिए दे रही हूँ क्योंकि बिकॉज लॉट्स ऑफ पीपल दे वॉन्ट टू डेकोर देयर हाउस, दे शुड।
और ये मेरा एक बड़ा ही स्पेशल किस्म का कुराने पाक है, और ये मुझे बहुत स्पेशल खातून ने दिया था, इसलिए मेरे ड्राइंग का ताज मुझे डॉक्टर फायजा ने दिया था। सो दिस ब्यूटिफुल कुराने पाक ये मेरे ड्राइंग रूम में है। ओके, एक और इंटरेस्टिंग चीज जो सबसे बड़ी ब्लेस चीज है, ये रोजा रसूल की चादर। ये रोजा रसूल की चादर जो है ये भी मुझे अल्लाह ताला ने भिजवाई और मैं बस इसको देखती हूँ। दिस इज माई डाइनिंग रूम और एज यू कैन सी ये जरा पुरानी पुरानी नॉट एज सच पुरानी, ये घर ही इतना पुराना नहीं है, लेकिन ये जब मैं मीडिया में थी तो तब मैंने ली थी और मुझे ना बहुत ये रॉयल सी लग रही थी, दिस वर वेरी रॉयल। और समटाइम्स ऐसा होता है कि इट्स वेरी हार्ड टू ट्रांसफर थिंग्स, तो ये वाली टेबल्स मैंने इधर भी रखी हुई है, ये मेरे पुराने दौर के, अब मैं इनको नहीं बजाती हूँ और मैंने बड़ी दफा सोचा उन्हें फेंक दूँ, बट आई डोंट हेट म्यूजिक, आई कैन नॉट हेट म्यूजिक, आई स्टॉप प्लेइंग बिकॉज ऑफ माई पर्सनल रीजन, जिसमें मैं किसी को फतवा भी नहीं लगाती। सो दिस इज ऑल अबाउट माई लिविंग, माई ड्राइंग रूम, वेन माई गेस्ट कम तो वो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे मुझसे मिलते हैं। एंड लेट मी टेक यू आउट, किचन मैंने दिखा दिया, सो लेट मी शो यू। जो गेस्ट मैं अपने घर में नहीं लेके जा सकती हूँ, वी हैव अ पाउडर वॉशरूम फॉर देम, छोटा सा पाउडर वॉशरूम है उनके लिए। मुझे खिड़कियाँ खोलने का बहुत ज्यादा शौक है, पूरे घर की खिड़कियाँ मुझे खुली ही पसंद है। सो लेट्स अब दिस एरिया, यू आर एंटरिंग टू माई एरिया। जब आप मेरे कमरे में आते हैं, घर में आते हैं, तो ये सबसे पहला रूम मेरा आता है, विच इज माई पूल टेबल रूम। आई डोंट नो वेदर मोस्ट ऑफ द पीपल दे डोंट नो दैट आई लव पूल टेबल, मुझे बहुत पसंद है एंड आई प्ले इट वेल। लेट मी प्ले इट अ बिट फॉर यू। और पूल मुझे इसलिए पसंद है कि वाहिद गेम है जिसको आप अकेले भी खेल सकते हैं, और आई इंजॉय प्लेइंग पूल लाइक दैट। और आई ऑफन प्ले, मैंने जब कुछ सोचना होता है ना तो मैं सोचने के लिए खेलती हूँ, आई प्ले। सो दिस पोर्शन ऑफ माइन हैज टू रूम्स। अब ये जो घर का पोर्शन है ना, ये मेरा, इसके दो कमरे, एक कमरे में मैं कुरान लिखती हूँ। लेट मी टेक यू देयर। इस कमरे में मैं जो मेरा टाइम स्पेंड होता है, जो मेन इसका वो है, ये है दैट आई राइट कुरान हियर। यू कैन सी मेरा हैंड रिटन कुरान अभी भी यहाँ पे पड़ा हुआ है। आज मैंने लिखना है, अभी नमाज भी पढ़नी है, लेकिन आफ्टर दिस इंशाल्लाह। दिस इज माई बेडरूम, और मेरे कमरे के अंदर जूते लेकर आना मना है, तो हम जूते उतार कर अंदर आएंगे। ये मेरा प्रेयर एरिया है, इधर मैं नमाज पढ़ती हूँ, और ये मेरी नमाज की चादर है, मैं एक ही चादर में नमाज पढ़ती हूँ। फिर ये मुझे अभी किसी ने गिफ्ट किया है, इंग्लिश कुरान पाक, आई एम स्टडिंग दैट। ये मेरा कुरान पाक है जिससे मैं अपनी कुरान क्लास कराती हूँ, और ये जब मैं रात को अकेली बैठ के पढ़ रही होती हूँ तो मैं साथ साथ खा रही होती हूँ, दिस इज द बेस्ट फूड आई कैन हैव। और ये मेरी कुरान क्लास का है। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ अपने कमरे की, कि मुझे जब भी गुलाब के फूल तोड़ने पड़ते हैं तो मैं यहाँ से तोड़ लेती हूँ। इसमें मुझे ऐसे नहीं लगता जैसे मैं कमरे में बंद हूँ। सो दिस इज माई प्रेइंग एरिया। और जब मैं पढ़ लेती हूँ तो सुबह नाश्ते के लिए आई सेट ऑन माई दिस चेयर एंड आई रीड एंड आई हैव माई ब्रेकफास्ट। और वेल दिस इज ऑल अबाउट माई रूम। अब मैं इसमें आपको क्या चीज़ बताऊँ, बट दिस है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ इस कमरे में है, वो ये है कि इसमें सराउंड सिस्टम है पूरे कमरे में, और सराउंड सिस्टम के साथ साथ जब हम इसको नीचे कर लेते हैं, ये देखें, इसके साथ दिस इज द प्रोजेक्टर, सो दिस बिकम्स अ सिनेमा हॉल। और आप स्पीकर देखें तो वो मेरे बेड के साइडों पर लगे हुए हैं, पीछे लगे हुए हैं। सो दिस इज माय रूम सिनेमा। अभी मैं इसको बंद कर देती हूँ। इसके साथ लेट मी शो यू, ये दो टेबल्स यहाँ पर इसलिए होती है कि मुझे रात को खाने की आदत है। ये मेरा ज्वेलरी,
मेरे टॉप्स, मेरे झुमके। अब ये देखें लोग मुझे कितनी क्यूट क्यूट चीजें बना के देते हैं। व्हाट दे मेड, दीज आर इयररिंग्स। तो ये मेरी कलेक्शन है। और एक और चीज जिसका मुझे सबसे ज्यादा शौक है, मैं वो भी आपको दिखाती हूँ। ये आप चूड़ियां देख रहे हैं, बहुत सारी चूड़ियां हैं, पीछे भी हैं। देर आर लाइक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ बैंगल्स हियर। ये चूड़ियां, बट ये कुछ भी नहीं है। आए मैं आपको और चूड़ियां दिखाऊं। आई लव चूड़ियां। दिस इज माई चूड़ियों का रैक। चूड़ियां नहीं पहन सकती, कमीनों बेचारी। सो दिस इज माई रूम। और तो दिस इज ऑल अबाउट माई हाउस। एंड आई एम श्योर कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा मेरे घर का विजिट करके। मेरा जो घर है, इट इज जस्ट लाइक माई पैलेस, माई कासल, बिकॉज आई स्कार्सली लीव माई होम। मैं अपने घर से बाहर बहुत कम निकलती हूँ। अब अल्हम्दुलिल्लाह फाउंडेशन का ऑफिस अल्लाह ने बनवा दिया, वरना फाउंडेशन के जो सारे काम थे वो यहाँ पर बैठ कर होते थे। तो आपका बहुत शुक्रिया दैट यू टुक टाइम टू सी माई हाउस। और अगर आपको अपने घर के बारे में कोई भी मशवरा करना है, और इफ़ यू वॉन्ट टू मेक योर हाउस अ बेटर प्लेस, यू कैन ऑलवेज कॉल माई टीम, आई विल हेल्प यू एंड इट्स फॉर फ्री। जज़ाकअल्लाह खैर।